26 मई के दिन एक नहीं चार चार संयोग जुड़ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा को दिल्ली में आए 6 महीने पूरे हो रहे हैं। सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने लेबर कोड के खिलाफ जो संघर्ष शुरू किया उसके भी 6 महीने पूरे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की किसान विरोधी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। और यही वो दिन है बुद्ध पूर्णिमा का, जब हम भगवान बुद्ध के जन्म निर्वाण और परिनिर्वाण को याद करते हैं। इस अवसर पे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक विशेष अपील की है और एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को याद दिलाया है कि किसानों के साथ संवाद को दोबारा शुरू करना आपकी जिम्मेवारी है, और अगर 26 तारीख तक ऐसा नहीं होता तो किसान आंदोलन अपने संघर्ष के नए चरण की घोषणा करेगा। चिट्ठी में यह भी याद दिलाया है कि अब यह महामारी गांव गांव पहुंच गई है और इसके लिए जरूरी है कि लोगों को फ्री इलाज दिलवाया जाए, फ्री और हर व्यक्ति तक वैक्सीन इंजेक्शन पहुंचाया जाए और लोगों को अपनी जरूरत के लिए फ्री राशन और कुछ राशि भी दी जाए। प्रधानमंत्री सुनेंगे या नहीं, लेकिन आप तो सुनेंगे ना। संयुक्त किसान मोर्चा का कॉल है कि 26 तारीख को हम काला झंडा दिवस मनाएंगे। हर घर पे, ट्रैक्टर पे, अपनी बांह पे, जहां भी संभव हो काला झंडा लगाएंगे, याद करेंगे, याद दिलाएंगे किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है इन 3 काले कानूनों की और पिछले 7 साल से नरेंद्र मोदी किसान विरोधी ने किसानों के साथ जो किया है। आप सबसे भी अपील है, आप किसान हो कहीं भी हो, इस काला झंडा दिवस में आप जुड़िए और यह संदेशा कम से कम 100 लोगों तक लेके जाइए। और हां, दिन के आखिर में बुद्ध पूर्णिमा मनाना ना भूलिएगा। सद्बुद्धि की प्रार्थना कीजिएगा प्रधानमंत्री के लिए और तमाम कुर्सी वालों।